मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही बगावती सुर जरूर सुनाई देने लगे। अब ये बगावती नेता बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, ये समझने के लिए सबसे पहले इन नेताओं के बारे में जानिए। बीजेपी ने जैसे ही 39 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की तो टिकट ना मिलने वाले उम्मीदवारों ने विरोध शुरू कर दिया। शक्ति प्रदर्शन कर कहीं टिकट को लेकर जल्द ही बदलाव की मांग की जा रही है, तो कहीं टिकट के दूसरे दावेदार और उनके समर्थक विरोध कर रहे हैं, जिसमें छतरपुर, गुना जिले का चाचौड़ा, सतना, झाबुआ और चित्रकूट शामिल हैं। सबसे पहले बात गुना जिले की चाचौड़ा सीट से करते हैं। बीजेपी की विधायक रही ममता मीणा ने सोमवार को बीनागंज में शक्ति प्रदर्शन किया। शक्ति प्रदर्शन में ममता मीणा के समर्थक बड़ी संख्या में जुटे। उन्होंने टिकट बदलने की मांग की है। चाचौड़ा सीट पर बीजेपी ने IRS अफसर प्रद्युमन मीणा की पत्नी प्रियंका मीणा को टिकट दिया है। प्रियंका ने ममता मीणा के खिलाफ जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। वे 250 से कम वोटों के अंतर से हार गई थी। अब ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी की कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अगर बात करें झाबुआ की, तो भानु भूरिया को बीजेपी प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद सोमवार को ही 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बारिश के बीच रैली निकाली और बीजेपी प्रत्याशी बदलने की मांग कर डाली। वहीं कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया द्वारा बीजेपी प्रत्याशी पर MP से गुजरात में अवैध तरीके से शराब तस्करी का आरोप भी लगा है। झाबुआ में मौजूदा बीजेपी जिला अध्यक्ष भानु भूरिया को टिकट देने के बाद स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी विरोध है। अगली सीट चित्रकूट है। अगर चित्रकूट की बात की जाए तो विधानसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार को टिकट दिया। इस सीट से टिकट के दावेदार सुभाष शर्मा डोली ने रविवार को शक्ति प्रदर्शन किया। सुभाष शर्मा सतना के यूथ कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष थे, फिर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। वे चित्रकूट से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। उन्होंने रैली निकालकर टिकट बदलने की मांग की है। वैसे खबर ये भी है कि चित्रकूट से भाजपा के दूसरे नेता शंकर दयाल त्रिपाठी भी नाराज बताए जा रहे हैं। छतरपुर सीट से बीजेपी ने पूर्व मंत्री ललिता यादव को उम्मीदवार बनाया। उनके नाम की घोषणा के बाद 2018 में बीजेपी प्रत्याशी रही अर्चना गुड्डू सिंह ने रविवार को जटाशंकर तक कांवड़ यात्रा निकाली, जिसे संबोधित करते हुए वो भावुक हो गईं। अर्चना ने लोगों का समर्थन मांगा और बाद में फफक फफक कर रोने लगी। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने अर्चना सिंह को छतरपुर से टिकट दिया था। वे 3495 वोटों से हार गई थी। वहीं अगर बात की जाए ललिता यादव की, तो वो बड़ा मलहरा से चुनाव लड़ी थी और 15789 वोटों से हार गई थी। अर्चना सिंह के समर्थक हार के अंतर को आधार बनाकर ही टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 3000 वोट से हारना और 15000 वोटों से हारने में अंतर तो है ही। वहीं अगर मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव की पौत्र वधु और निवाड़ी जिले की भाजपा उपाध्यक्ष रोशनी यादव ने सोमवार को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। रोशनी यादव ने कहा कि भाजपा की रीति नीति एवं नेतृत्व से वे काफी समय से नाखुश हैं। भाजपा सिर्फ महिलाओं को ठगने का काम करती है। जनता में प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व दोनों से ही नाराजगी है। जिस दल से जनता खुश नहीं है, उससे जुड़कर भला क्या फायदा। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां कुछ बगावती नेता हैं और कुछ बगावत पर उतर आए हैं, तो इन नेताओं की वजह से बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है।